वहाँ पे जो पुलिस ने रिपोर्ट किया था कि ये एक सुसाइड का केस है लेकिन जब क्राइम सीन विजिट किया तो फर्स्ट मेरा इंस्टिंक्ट वाज कि ये सोसाइड तो नहीं है, तो है। फोरेंसिक साइंट से बोलते हैं क्या सेवंथ सेंस वर्क अलॉन्ग विद अदर सिक्स सेंसेस जिसने क्राइम करना है ही ऑलवेज फाइंड्स अ वे बेटर देन द टेक्नोलॉजी वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे हमारे पास साफ बट फुटप्रिंट्स क्या थे उसके साथ और लोग दस लोग दस पुलिस वालों के फुटप्रिंट थे तो वहाँ पर हमारा लॉ लैग करता है तो ये फोरेंसिक साइंस को ना थोड़ा पीछे लेके जा रहे हैं आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि योर आइडेंटिफिकेशन विल बी थ्रू बिकॉज़ फोर्स दैट आपके फिंगरप्रिट फोर्ज किए जाते हैं आपके साइन फोर्स किया जा सकते हैं राइट वी हैव सच एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ए एफ आई एस इज वर्किंग ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इट इज वर्किंग एफ बी आई यूजिंग दैट स्टिल ऐसे भी केसेस हैं जो एफ आई एस को डायसेक् करके या उसके आगे अपार्ट आगे निकल चुके हैं स्टिल सोसाइटी को से हम क्रिमिनल्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि जी ऐसे क्राइम्स होते हैं तो उससे ऐसे, ऐसे बचा जाए अभी रिसेंटली एक ऐसा हुआ किसी का लॉकर तोड़ा गया अब उस लेमन को पता नहीं था कि लॉकर को हाथ नहीं लगाना है तो आई साइट फिंगरप्रिंट्स उसमें चार लोगों के मिले किसके थे ऊपर दूसरे hello guys welcome to the jay and bharat show today we have a very wonderful guest with us mr gaurav patra a forensic scientist and a criminologist so thank you so much for being on the show yeah thank you jay to you know welcome me on your show. yeah <laughs> what do you think is forensic science. एंड क्रिमोलॉजी फोरेंसिक साइंस एक लेमन की लैंग्वेज में बताया जाए आप सब ने सी आई डी देखा होगा राइट सर वो सी आई डी में हमें दया पता है उसी में साथ में डॉक्टर सावल के है दैट यू सी इन दी फोरेंसिक लैब राइट वो जो वर्क है दैट इज बेसिकली वर्क ऑफ अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट वो एक पार्ट है

कि कैसे आज के जो डेली बेसिस पे क्राइम हो रहे हैं चाहे वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स हैं चाहे वो आपके मर्डर्स हैं आपके सुसाइड के केसेस हैं तो ऐसे क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव दी थेफ्ट केसेस तो इस इस सब में फोरेंसिक साइंटिस्ट का रोल होता है दैट इज़ बेसिकली द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी इज मोर ऑफ अ थियोरिटिकल पार्ट कि कैसे क्राइम को सॉल्व किया जाता है दिस इज़ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी सो सर क्या आप अपना डे टू डे बेसिस पे अपना अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं डेली अगर मैं अपना एक शेड्यूल आपको बताऊँ कि हाउ डू आई वर्क किसी दिन मैं कोर्ट में होता हूँ सम डेज़ आई विजिट बैंक सम डेज आई विजिट कंपनी सम डेज़ आई विजिट द क्राइम सीन्स तो ये मेरा स्कीड्यूल वर्क करता है इन दी अगर हम कोर्ट की बात करें सो so, क्राइम uh, जैसे सॉल्व होता है वी प्रिपेयर द लीगल रिपोर्ट्स फॉर दट और फॉरेंसिक रिपोर्ट बनती हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं वी गिव एविडेंस ऑन दाट वी फेस क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन दाट कितनी बार होता है कि देर सम एक्सपर्ट और सम लैब रिपोर्ट्स दैट बीन बीटेंडेड इन द कोर्ट उसको फेस करना उस पर पॉइंट्स चेक करना कि वो सही है या नहीं है तो ये कोर्ट में वर्क होता है और अदरवाइज देखा जाए क्राइम सीन पे विजिट करना जैसे अभी रिसेंटली टू डेज बैक देर वॉज अ थेफ्ट केस इन इन अर सेक्टर इन चंडीगढ़ सेल्फ सो आई विजिटेड दैट कलेक्टेड फिंगर प्रिंट्स फ्राम देर तो हमें डाउट था कि ये दो तीन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उनके स्पेसिमेंट्स वहाँ से कलेक्ट किए और वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन हो सकता है इसमें सो डेली बेसिस में ये वर्क होता है कि टू टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन फॉर सर आप बता सकते हैं कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है लाइक वट गोज इन साइड द माइंड ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट लाइक जैसे जैसे ऑनरे लोग हैं तो ऐसा क्या है डिफरेंट कि जैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट उनका एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू हो How, like do they uh, get separated from the the rest of the world uh, in their yes, own, in their I own can, ways? Yes, I can say yes. We do have a different mindset when we are in द society. अगर नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि देर इज अर्सन है तो हमारा फर्स्ट परस्पेक्टिव होता है कि क्या कन्वर्सेशन ये मतलब एक अच्छा ऑप्टोमिस्टेक वे में जा रहा है कि पैसेमिस्टेक वे में जा रहा है और हमारा माइंड कितनी बार ऐसा होता है कि वी कैन easily जज पीपल है टाइम देख देख के कि किस तरह के मैंटालिटी के लोग किस तरीके से क्राइम करते हैं और अगर क्या कोई क्राइम हो रहा है देर इज़ अगर जुबिन इज़ इन्वॉल्व तो हम बच्चों को जब भी देखते हैं तो वी सी कि इनकी जो हैबिट्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं आर दे गोइंग टू वर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड और कुछ नेगेटिव चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं सो so, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट एक पर्स्पेक्टिव सोसाइटी को लेकर माइंड में जरूर सर एक क्राइम सीन, सीन एक पर्टिकुलर क्राइम सीन पहलेट सीफ इट्स केस ऑफ मर्डर और थेफ्ट और एनीथिंग सर आप क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं राइट देन एंड देर इन दैट वेरी रूम इन दैट रूम सबसे पहले जाता है कि एक अपने ना सिक्स सेंस बहुत वर्क किया है ऐसी जगहों पे आपके सिक्स सेंस आपको बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में देखना चाहिए क्राइम का आपको कहाँ से एविडेंसेस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्राइम सेट्स होते हैं अब जैसे एक 2018 का अगर मैं केस बताऊँ तो मैंने आ, एक सिटी है हमारे पास में है चंडीगढ़ के पास छोटा सा एक टाउन है वहाँ विजिट किया वहाँ पर जो पुलिस ने रिपोर्ट किया था कि ये एक सुसाइड का केस है ठीक है जी लेकिन जब क्राइम सीन विजिट किया तो फर्स्ट मेरा इंस्टिंक्ट वाज कि ये सोसाइटी तो नहीं है ओके okay. तो ये क्या होता है कि जब हम क्राइम सीन विजिट करते हैं कि अब बीइंग इन द क्राइम वर्ल्ड बेसिकली इन द पॉजिटिव वे राइट ठीक है तो माइंडसेट ये वो कहता है कि हाँ अब इसमें से आपको क्लूज कहाँ से मिल सकते हैं एक्चुअल आपको फैक्ट पता लगाने के लिए जब भी आप विजिट करते हैं वेन आई विजिटेड छोटा सा बाथरूम था वहाँ पे लेडी के वो बताया था कि यहाँ पे लेडी लेटी हुई थी ऐसे शी ट्राइड टू यू नो बर्न हर सेल्फ और ऐसे उसने अपना सुसाइड करने की कोशिश की जब आसपास की चीज़ें देखी कि कौन सी चीज़ कैसे पड़ी है क्या चीज़ है तो वो माइंड वर्क करता है फ्रॉम द नॉर्मल बींग आपका जो माइंड वर्क करता है इट वर्कस इन द डिफरेंट डायरेक्शन अब पुलिस डिपार्टमेंट भी वहीं था उनकी डायरेक्शन कुछ और थी सोचने की कि हाँ जी एक है यहाँ पे बॉडी थी ये सब कुछ था बट माइंड सेट वर्क कि गेट से आप स्टार्ट करो कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है कि जब हम जाते हैं कहीं कि कि, किसी क्राइम सीन को विजिट करते हैं सर एज साइंटिस्ट डू यू डू माइंड रीडिंग्स आप सर लोगों को देख हाँ। के उनको बता सकते हैं कि यार ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा रफली ये अगर मैं फ्रेंसिक साइंस की बात करूँ कि आई स्टार्टेड माई स्टडीज इन साइंस फ्रेंसिकाउजेंड नाइन बेसिकली आई स्टार्टेड देन आई जॉइन माई मास्टर्स इन टू थाउजेंड टो तब से ना पर्स्पेक्टिव थोड़ा ऐसा बन गया कि यू कैन इजिली जज पीपल नाउ आई सी येस कि कोई अगर किसी वे में बात कर रहा है तो वॉट एग्जैक्टली ही और शी हैज़ इन अ माइंड क्या जब वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल वही बात करना चाहते हैं या वो दे आर यू नो ट्राइंग टू यूज़ सम डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस सम डिफरेंट फीलिंग्स एंड ट्राई टूट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट तो वो पता लगता है परसपेक्टिव देख के कि हाँ <laughs> किसके माइंड में क्या है तो करते उनके माइंड रीडिंग बट दिस इज आर इंस्टिंग दैट वर्क हम फोरेंसिक साइंटिस से बोलते हैं कि आज सेवंथ सेंस वर्क अलॉन्ग विदर सिक्स सेंसेस तो सेवंथ सेंस आपका हमेशा आपको जो बताता है वॉट आई फील फ्राम द पास एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड टेन ईयर्स नाउ कि वो सेवंथ सेंस हमेशा सही होता है अब कोई भी हम केस स्टार्ट करते हैं कोई भी अगर मेरे पास अप्रोच करता है कि हाँ जी इसमें ये ये चीज़ें हैं ऐसे अफक्ट्स हैं हमारे साथ ऐसा फर्स्ट थिंग आई सी इज उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है एट्टी परसेंट केस आपको वहीं से क्लियर हो जाता है कि वो पर्सन आपको सच बता रहा है नहीं बता रहा है तो ये थोड़ा सा माइंड सर आप इतना माइन्यूटली क्या देखते हैं बॉडी लैंग्वेज में वट आर दिंग्स फॉर आइज जो होती है ना हम वैसे भी नॉर्मल yeah. yeah. लैंग्वेज right, 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 right. तो में बोलते हैं ना कि आई स्पीक बेटर देन योर माउथ राइट 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 तो इसमें भी ऐसी वर्क करता है कि योर आइज कन्वे 80 परसेंट ऑफ द थिंग्स यू हैव इन अ माइंड आपकी आइज आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाती हैं लेकिन साथ में क्या होता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका सिटिंग पॉस्चर है आपके हैंड्स का यूज है आपके यू नो वेज ऑफ कैसे आप अपने you know, आप को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं वहाँ पे उस पॉइंट पे तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं टोटल मिक्सअप बना के आपको एक इंटरेक्ट वो देती है एक साउंड देती है कि यस दिस पर्सन इज करेक्ट और दिस पर्सन इज़ नॉट तो वो चीज़ बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पड़ी जाती so, है सो सर हमारे देश में जब से फोरेंसिक साइंस आई है सर हाउ मेनी सर वट ड्यू थिंक आपके पास कोई रफ आइडिया है कि कितने लोग जैसे मर्डर हो गया फिर रेप हो गया थेफ्ट हो गया हीनीस क्राइम नो आई मीन टू से सर डू यू थिंक कि देर इज अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु गेट अवे विद दीस थिंग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोरेंसिक दंट्री वॉट आई फील इज फ्रसंस लैक नहीं कर रहा आई मी टू से सर जिस टाइम पर फोरेंसिक साइंस थी ही नहीं इंडिया में जब नहीं थी हाँ तब बहुत सारे ऐसे क्राइम थे लेकिन ना एक बहुत अच्छी सोचने वाली बात है कि लोग उतनी ही एडवांस होते जाते हैं जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो आई सी वॉट ए वंडरफुलज अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती अब हम छोटे से बच्चों को हम देखते हैं कि वो फ़ोन से कितना कुछ एक्सेस कर लेते हैं हम जब छोटे थे हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो हम वो चीज़ें करते ही नहीं थे वी यूज टू प्ले इन द ग्राउंड नाउ किड्स आर प्लेंग ऑन द फोन्स और ऑन द पी एस फोर्स पी एस फाइव फाइट है ना दे आर यूजिंग दैट बिकॉज टेक्नोलॉजी मिल गई है तो दे हैव अ सेकेंड पार्ट कि वो उस चीज़ का तोड़ जानते हैं हर चीज़ का वैसे ही फोरेंसिक साइंस का है जितनी ज़्यादा एडवांस होते जा रही है जो जिसने क्राइम करना है ही ऑलवेज फाइंड अ वे बेटर दैन द टेक्नोलॉजी ओके अगर किसी ने फिंगरप्रिट फोर्ज करना है वी हैव सच एडवांस टेक्नोलॉजीज एफ आई एस इज़ वर्किंग ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इट इज़ वर्किंग एफ बी आई यूजिंग दैट स्टिल ऐसे भी केसेज हैं जो ए एफ आई एस को भी क्या के कहते हैं uh, डायसेक्ट करके या उसके आगे पार्ट आगे निकल चुके हैं या स्टिल फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट्स ऐसे My भी केसेज हैं तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतनी ज़्यादा वैसे ही जब फोरेंसिक साइंस नहीं थी ऐसा नहीं था कि फोरेंसिक साइंस कभी नहीं थी डोंट यूज टू कॉल दैट इज फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी पहले भी थी क्राइम तब भी सॉल्व होते थे वेज डिफरेंट थे तो क्राइम अलग थे राइट right. तब छोटी छोटी चोरियाँ होती थी आज के आए लोग ताले तोड़े जाते पहले ताले ही नहीं होते थे अब ताले तोड़े जाते हैं तो एनालिसिस होता है कि जी ताला जिसने थोड़ा उसका फिंगरप्रिंट मिलेगा पहले ताले ही नहीं होते थे पहले क्राइम सॉल्व कर वे ही अलग होता था राइट right. है ना सर आपसे क्वेश्चन है इट्स इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग सर जैसे सी आई डी है लाइक डॉक्टर शाहरुख के है yeah. या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट लाइक इफ़ यू गूगल ऑन यूट्यूब यूट्यूब पर देखें गूगल पर देखें टी वी टी वी शोज पर देखें साफ इंडिया क्राइम पेट्रोल सर ये लोग तो सारे सारी जनरल पॉपुलेशन देखती है ना इवन एक्यूज लाइक क्रिमिनल्स भी देख लेंगे या फिर नॉर्मल ऑर्डर पीपल भी देख लेंगे डी यू थिंक सर आप कह रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे लोग भी एडवांस हो रहे हैं क्राइम करने में सो डी यू थिंक जैसे टेक्नोलॉजी है फॉरेंसिक साइंस इसको पब्लिक डोमेन में डोमिन मेंाना चाहिए नॉट मेनी पीपल शुड नो अबाउट फॉरेंसिक साइंसिस वट आई फील इज कि हर चीज़ के ना दो साइड्स होती हैं अ कॉइन हैज़ ऑलवेज टू साइड्स ठीक है जी वैसे ही इसमें है कि जितना ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं फॉर कि ये क्राइम कैसे हो रहा है उतना ही हम क्रिमिनल्स को भी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये क्राइम ऐसे हो सकता है हाँ है ना अब मैंने एक केस मेरे सामने आया उसमें जुमनैल इन्वॉल्व था ठीक है जी उसने आ, किसी को एक वेपन था वेपन से हर्ट किया ठीक है जी उसको पता नहीं था अगर वो देखा जाए हम जब छोटे थे वैन वी वर यूज टू वैन यूज टू बी अराउंड फिफ्टीन और सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड क्या हमें पता था कि चाकू पे अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स होंगे होंगे हमें तो नहीं पता था राइट है ना हमें नहीं पता था कि उस फिंगरप्रिंट्स को कैसे साफ किया जा सकता है उस टाइम पे हमें नहीं पता था हमने चाहे कोई भी सीरीज का नाम ले लें आप जितने भी क्राइम सीरीज़ हम देखते हैं इस समय उसमें दिखाया जाता है कि हाँ जी ये ऐसे हो रहा है क्राइम उसके बाद ऐसे उसको वेपन को डिस्ट्रॉय किया गया ये भी या छुपाया गया छुपाया गया वेज दिखाए जाते हैं राइट तो उसमें क्या है लोगों को एजुकेशन मिली कि हाँ जी इसमें से फिंगरप्रिंट हमारा हो सकता है उसको कैसे मिटाना है एजुकेशन भी आई राइट एक तरफ से हम एजुकेट कर रहे हैं सोसाइटी को कि हाँ जी ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं तो इससे ऐसे बचा जाए दूसरी तरफ से हम क्रिमिनल्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि जी ऐसे क्राइम्स होते हैं तो उससे ऐसे बचा जाए दोनों इसके ऐसे नहीं ऐसे क्राइम करो ऐसे नहीं, नहीं तो हाँ। क्रिमिनल दस साल निकल गए प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारी क्राइम सॉल्विंग सीरीज है बहुत फेमस सीरीज है सबसे दिखाया जाता है कि क्रिमिनल ने ये ऑफेंस किया इस तरीके से बच के वो निकल गया अभी तक आया नहीं सामने है ना जी दस साल निकल चुके हैं सर यू थिंक दिस इज ऑल राइट आपके आपके हिसाब से वही बात है ना कि हर चीज़ बेनिफिट भी देती है तो लॉस भी देती है टेक्नोलॉजी हमें जितना बेनिफिट प्रोवाइड करी है जितना कन्वीनियंट बना दिया है अब हम ये इसी के देख लें वी आर हैविंग अ सेशन वी आर मेकिंग पीपल अवेयर फ्रॉम दिस कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है सोसाइटी में तो फॉरेंसिक साइंस क्या है ये क्या है ना वी आर मेकिंग पीपल अवेयर वहीं लेकिन क्या है कि अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो भी उसका कोई वो नहीं है राइट है ना एजुकेशन एनी हाउ इम्पोर्टेंट है लेकिन करेक्ट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो क्या चीज़ पोट्रे की जा रही है थ्रू दी प्लेटफॉर्म्स जितने भी ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी है स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है हम बच्चों को दिखाते हैं एक फैमिली से मैं मिला तो आई वॉस मतलब लिटरली अमेज टू सी कि वो अपने बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाते हैं hmm. वो टी भी देखने देते हैं तो वो वही चीज़ें दिखाते हैं जो उनकी उनकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं तो राइट वे ऑफ नॉलेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम एट द राइट एज इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ हम बड़े हो चुके हैं तो हमें भी एक लेवल है हमारा नॉलेज का हमें उससे बेटर कैसे नॉलेज लेनी है इन द पॉजिटिव वे वो हम पे डिपेंड करता right, है राइट सर राइट वैसे जब बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है तो ये सारा कुछ पर्सपेक्टिव क्या है कि एवरीथिंग थिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉस एंड कॉन्स तो सबके साथ जुड़े हैं कुछ भी हो चाहे वो तो इसलिए क्रॉस का जितना हमें जरूरी है राइट एजुकेशन सर जब जैसे काफी लोग रॉन्गफुल wrong, कन्विक्ट हो रहा हैं यू नो दे स्पेंड इन काफ़ी लोग को ऐसी चीज हो रहा है बट सिंस सिंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इन फोरेंसिक डू यू थिंक सर डू हैव ऑफ डाटा कि कितने लोग uh, मतलब कि भरी हो गए और वो भी इनोसेंटली डू हैव एनी सच डाटा कि कितने लोगों की कि हेल्प हुई है थ्रू फोरेंसिक साइंसेस आई गेस वट आई सी मतलब आई डोंट हैव द डेटा एग्जैक्टली डेट बट वट आई सी अप्रॉक्सीमेटली आई गेस फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट पीपल मतलब बरी हो जाते हैं जो केसेज उन्होंने क्राइम किए हैं तब भी वो नहीं पकड़ते बिकॉज लैक ऑफ दिस्टम समवेयर इन दिसटम चाहे वो हमारे इनिशियल इंक्वायरीज से हम स्टार्ट करें थ्रू द पुलिस डिपार्टमेंट और समवेयर लैकिंग इन द फोरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजीज अभी अब अगर हम बात करें कि फोरेंसिक साइंस के कितने छोटे छोटे लैक्स भी हैं अभी हमारे इंडिया में कि हम कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते यहाँ पे कितने ऐसे क्राइम्स हैं टोटली उस पर रिलाई कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते है ना तो वहाँ पे भी हम लाग करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल्स गो अवे विद द क्राइम्स राइट है ना बट काफ़ी टाइम्स ऐसा भी है कि फ्रेंचिक साइंस थ्रू एक रॉन्गफुली कन्विक्ट आर्मी बरी हो जाए राइट इफ न्यू एविडेंस कम्स टू लाइट इफ न्यू डी एन दिस वॉट यू मीन टू सी तो सर एक और सर एक इट्स दिस इज वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आई डोंट नो द आंसर

Light detectors don't give exact results. They are being reported that the results are hmm. not 100% accurate. So you can rely on them, but not solely on them. They can be yes. dodged. Yes. उनको मतलब कि धोखा दिया जा सकता है यहाँ से। हाँ धोखा कैसे hmm. कि uh, बहुत सारे आपके body के ऐसे क्योंकि वो सारे जो light detectors हैं work on your bodies body hmm. की आपके right. कितने uh, levels पे depend करता है कि आपका brain कैसे respond कर रहा है उन चीजों पे work करता है सारा वो कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जब भी एग्जामिनेशन होता है उन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं बट वो बहुत मैटर करती हैं उस एग्जामिनेशन के टाइम पे तो वो फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं इन दी यू नो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स और न वीमेंट वी आर ऑन ट्रेकोजो नाइनटी परसेंट बिकॉज वहाँ पर भी वही परसपेक्टिव वर्क करते हैं कि ऐसे की फीचर्स हैं जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं फॉर दस्ट है ना तो वो और फैक्टर्स पर भी वेरिएबल होता है अगर हम रिसर्च पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग नारको के रिगार्डिंग तो उसमें भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे की फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता है ना जी लेकिन उसको हम इंक्लूड करके भी हम कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ पे वो थोड़ी सी लैकिंग आ जाती है तभी ये रिजल्ट्स होते हैं सर एटी फाइव नाइन्टी परसेंट श्योर नॉट हंड्रेड परसेंट एक्यूरेटर आपकी आपकी रिला यूजेज वैसे नहीं होती है इसकी यूजेज ज़्यादा होनी चाहिए ओवर टाइम डी यू थिंक की पुलिस डिपार्टमेंट ये चीज कंपल्सरी नहीं चाहिए लाइक वी नो की पुलिस इज वेरी तब करना चाहिए बिकॉज लाइटेस क्या है माइंड में एक सेट बना हुआ है माइंड सेट एक ऐसा बना है की अगर लाइट रिजल्ट आया है तो वो सही ही होगा हम्म बट जहाँ पे ये 90 accurate. 10 in one case ऐसा भी होगा जिसमें वो रिजल्ट्स ठीक नहीं होगा सोली अगर उसी पे हम रिलाय करके चलेंगे हर केस पे hmm, hmm, hmm. तो वो मतलब एरर, like एरर yes, yes, yeah. तो रिलाई करना नहीं मेरे को लगता ठीक है तो हमें क्या होना चाहिए कि हम मतलब उस पर वर्क करें उसको लेकिन हम एडिशनल एविडेंस में ज़रूर अपने साथ रख सकते हैं जिन भी केसेस में ज़रूरी लगता है हमें जहाँ पता है कि बंदा अगर झूठ बोल रहा है तो हम इस तरह से उसके फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ ठीक है लेकिन हर केस में नहीं आएगी सर हाउ डू यू सी द फ्यूचर जैसे आगे ए बहुत yes. तेज़ी से आ रही है तो सर कैसा आपको लगता है कि हाउ दीज थिंग्स विल शेप अप कैसे चेंज होगी जितने सालों से मैं अभी ए आई को जैसे डेवलप होते देख रही है अभी रिसेंट उसमें तो जिस स्पीड से ए आई डेवलप हो रहा है उस स्पीड से उसके अगेंस्ट क्राइम भी डेवलप हो रहे हैं <laughs> तो फॉरेंसिक साइंस मुझे लगता है और चैलेंजिंग हो जाएगी उधर ही बात आ गई <laughs> तो वही वाली बात सेम रिपीट होती है ना कि अगर जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उतने ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं तो अभी हम देखें ए से अगर अभी पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि ए ने ऐसा करा लेकिन वो रिजल्ट ठीक नहीं था तो फ्रेंसिक साइंस मेरे को तो लगता और चैलेंजिंग हो जाएगी फ्यूचर में अभी फिर भी थोड़ा सिंपल चल रही है ओके रिलाय आन द डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करते हैं यहाँ पे अगर देखें हम सेवेंटी एट्टी परसेंट केसेज ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन होता है उसे रिजल्ट सामने आ जाते हैं अगर वही एआई की तरफ हम चले जाएं तो मुझे लगता है कि ए से उतने ज़्यादा क्राइम और बढ़ेंगे उनको सोल्व करने के लिए उतने ज़्यादा चैलेंजिंग थिंग्स में गट कॉम्प्लिकेटेड विल गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर श्योर इन द फ्यूचर एंड सर वट अबाउट बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बिकॉज आप बैंक फ्रॉड भी डीलिंग करते हैं yeah. तो बैंक फ्रॉड क्राइम्स क्या होते हैं एंड हाउ डज फोरेंसिक साइंस प्ले द रोल इन इट बैंक फ्रॉड्स में ना बहुत सिंपल से वैसे क्राइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा पजलिंग नहीं होते जितना मैंने देखा अभी तक अपने टेन you ईयर्स know, के अपने एक्सपीरियंस में बैंक फ्रॉड्स में या तो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते हैं कहीं ना कहीं चेक्स हमारे लगते हैं बैंक्स में वो फोर्ज होते हैं सिग्नेचर्स किसी ने फ्रॉडलेंट चेक लगा के मनी विद्रॉ कर ली या आपके नेम पे चेक लगा दिया और उसी के रिगार्डिंग आपसे मनी स्टॉट करने के लिए केस रजिस्टर कर दिया आपके पे में वो केसेज होते हैं एक केस मैंने विजिट किया था यहीं हमारे नियर एरिया से ही था तो उसमें क्या था कि किसी का लॉकर किसी ने ऑपरेट किया थ्रू द फोर्स सिग्नेचर्स उसमें नियरली अप्रॉक्सीमेटी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज की ज्वेलरी थी कैश था कुछ वो उसने क्या कहते हैं विड्रॉ कर लिया वहाँ से लोकर से निकाला वो भी बैंक फ्रॉड है एक वहाँ पर आप विजिट करोगे यू ट्राई टू फाइंड द फिंगर प्रिंट ओवर देयर या सीसीटीवी की आपको इमेजेस मिलेंगी वीडियोस मिलेंगी आप उसको क्या कहते हैं एनालाइज करोगे उसको प्रेजेंट करोगे एज एन एविडेंस इन द कोर्ट तो वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सीसी टी वी एनालिसिस वहाँ पर काम आ जाता है हमारे लिए तो उसमें भी ऐसी किया था हमने वी ट्राई टू यू नो गेट द इमेजेस फ्रॉम दी बट वहाँ मिल नहीं पाया था क्योंकि बैंक के पास जो रिकॉर्ड था वो थर्टी डेज का था एंड क्राइम hmm. वॉज मोर देन थर्टी डेज अब ओल्ड इन दैट केस तो उसमें क्या था हमारे पास कुछ ज़्यादा वो एविडेंस मिले नहीं थे वर अभी तक तो वो सॉल्व हो भी नहीं बहुत बिन टू नाउ ना ऐसे भी केसेज हैं तो सर आप लोगों भी सर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ऐसा केस जो बड़ा याद कर रहा हो आपके लिए कि भाई यार क्या केस था वो मजा आ गया काम करके हाँ यादगार रहा केस अब जैसे मैंने आपको वो सुसाइड वाला केस एक बताया जी जिसमें प्रूव किया हुआ था कि देर वॉज अ सुसाइड इवन सुसाइड लेटर था वहाँ पे सुसाइड नोट मिला था क्राइम सीन में ओके उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैंने उसकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया फ़्रॉम दी रिकॉर्ड्स जो हमें मिल पाए जिस लेडी थी शी वॉज जस्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड लेडी ठीक है जी और उसके इन लॉज ने प्रूव किया था कि इसने अपना आप सुसाइड कर लिया शी वॉज इन डिप्रेशन डिप्रेशन के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स थे वो तक फेक थे ना, उसमें पहले उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया कि यस नोट मिला वो वो उसकी राइटिंग नहीं थी प्रूव किया फिर इसमें जिस तरह से बॉडी जलाई गई थी बॉडी बंदा अपना आप जला ही नहीं सकता है पैटर्न एनालिसिस किया उसमें वो केस ऐसा था जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया कि फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस कितना इंपॉर्टेंट है वो so, लेडी तो चले गई एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड

पोमीशन में कितनी बार टाइम लगता है कितनी बार लॉ का जो हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट्स पुलिस डिपार्टमेंट्स के पार्ट में बहुत लैकिंग होती है क्राइम सीन कितनी बार खराब हो जाता है हमारा राइट अब वहाँ पे क्राइम सीन में मैंने एक केस मैंने दिल्ली में विजिट किया था वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे हमारे पास साफ बट फुटप्रिंट्स क्या थे उसके साथ और लोग दस लोग दस पुलिस वालों के फुटप्रिंट थे आप किसके फुट फुटप्रिंट्स मैच करोगे कितनों कितने राइट है ना तो वहाँ पे हमारा लॉ लैक करता है तो ये फॉरेंसिक साइंस को ना थोड़ा पीछे लेके जा रहे हैं राइट एजुकेशन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट कंसर्न विद द क्राइम कैन इंक्रीज दी एफिशियंसी और जब तक वो नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं क्राइम्स करने वाले को और उनको भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और क्राइम बढ़ता ही रहेगा सर अ बोल्ड क्वेश्चन आपको लगता है कि पुलिस खुद इन्वॉल्व हो रहा थी है एफ डी एन एविडेंस या फिर ओवर एनी फ्रेंडसिक एविडेंस को मिटाने में इफ दे आर ब्राइब्ड आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट क्योंकि पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट कैसे वर्क आई थी रफली ऑन योर एक्सपीरियंस वट यू थिंक वट आई थिंक इज़ पता नहीं मतलब पैसे लेके या नेग्लिजेंस होती है उनकी या कैसे करते हैं बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो करी जा सकती थी अब वट जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि फोरेंसिक साइंटिस्ट से कैसे नजरिए से देखता है चीज़ों को yeah. तो मैं अपने नजरिए से देखूँ तो क्राइम सीन को बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के hmm. पुलिस डिपार्टमेंट्स नहीं करते सारे तरीके से अब उनके चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन कह लो चाहे उनकी नेग्लिजेंस कह लो डिलीवरेट नेग्लिजेंस कह लो चाहे मनी इन्वॉल्वमेंट कह लो चाहे पार इन्वॉल्वमेंट कह लो कुछ भी आप कह लो उसको चाहे

न्यू टेक्नोलॉजी ये सारी जो चीज़ें हैं ना जैसे अब आपने बोला या रेटिना स्कैम्स की बात आ रही है या फिर हम बायोलॉजिकल एनालिसिस में बात करें जैसे डी एन एनालिसिस है वो मेथड और ज़्यादा बेटर एफिशिएंट होते जा रहे हैं तो यही सारी एडवांसमेंट्स हैं जैसे ऐसे इम्प्रोवाइज होती जाएगी न्यू टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगी फिर आगे सर आपके पीरियड में फॉरेंसिक साइंटिस्ट को और डेवलप कैसे किया जाए या फिर और इजी कैसे किया जाए फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑल द एक्सपर्ट्स है इजी करने का वे सबसे बेटर मुझे नज़र आता है कि लॉ थोड़ा सा एक तुम्हारा स्ट्रिक्ट अगर हो लॉ स्ट्रिक्ट हो यूट से इन देंस लॉ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग बच जाते हैं थ्रू दिस थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमारे जो डिपार्टमेंट्स है पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो जब इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो उनको एजुकेट अगर हम प्रॉपरली करें कि येस आप क्योंकि देर ऑन द ग्राउंड लेवल फर्स्ट लेवल ऑफ एक्शन जो होता है वो सबसे पहले पुलिस को ही बुलाया जाता है कोई भी क्राइम होता है तो अगर उनको राइट right एजुकेशन हो मुझे लगता है कि फिफ्टी परसेंट क्राइम्स तो उससे हमारे इजिली सॉल्व हो जाएंगे तो राइट right एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लोगों की राइट एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें हम खुद देखते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि घर पे रहते पर रहते हुए सपोज घर में किसी के क्राइम हुआ है घर में रहने वालों को अगर राइट right नॉलेज हो तो वहीं पे कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोक्योर की जा सकती हैं लोगों को पता नहीं होता राइट right. है अभी रिसेंटली एक ऐसा हुआ किसी का लॉकर तोड़ा गया अब उस लेमन को पता नहीं था कि लॉकर को हाथ नहीं लगाना है दोबारा उसमें फिंगर होंगे। ah. है ना आई विजिटेड द साइट फिंगर प्रिंट्स उसमें चार लोगों के मिले hmm. किसके आप कंपेयर कर दोगे जो एक्चुअल था दो फिंगर प्रिंट्स पाँच हो चुके थे ऊपर दूसरे राइट राइट नॉलेज राइट एजुकेशन अगर सोसाइटी को भी हो तो उससे बेटर क्या हो सकता है इजी सर हो सर आपके प्रेश, आपके ऊपर प्रेशर होता है क्या या, या, या तो इस केस को जल्दी सॉल्व करो या फिर इस, या फिर इस केस को डिसमिस करो लाइक डू लाइक द फ्रेंचिक फ्रेंचिक डिपार्टमेंट आल्सो गेट्स ब्राइब्ड और मे बी गेट्स गेट्स प्रेशराइज्ड इन योर ओन ओपिनियन आई सी बट जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है मतलब ब्राइब इट डजंट वर्क आई ये तो वर्क इज वर्क तो इट टेक्स टाइम कितनी बार ऐसा होता है कि यस देर इज अ प्रेशर फ्रॉम द जुडिशरी जल्दी सॉल्व करना है हाँ, तो जल्दी हमें चीज़ें करनी पड़ती हाँ, है दैट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग वो डिफरेंट चीज़ है बट right. वैसे मैंने नोटिस नहीं किया अपने एक्सपीरियंस में तो नहीं तो सर जैसे आप खुद एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं तो सर जैसे आपने सर आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने फील्ड एंटर की

आई गोल सर फॉर द थोटिकल पार्ट में गेस्ट लेक्चर्स भी लेता हूँ मैं बच्चों को भी एजुकेट हाँ ठीक है तो सर जैसे फ्यूचर है आपको लगता है कि सर और लोग इस फोरेंसिक साइंसिस के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे लाइक दे विल मेक लिविंग आउट ऑफ दिस थिंग और दे वुड वॉन्ट टू जॉइन दिस एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट हाँ जैसे अभी एडवासमेंट्स आ रही है ना गवर्नमेंट हमारे बहुत अच्छी इनिशेटिवस ले रही हैं न्यू लैब्स ओपन हो रही हैं रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स में नई लैब्स ओपन हुई हैं न्यू पोस्ट्स आ रही हैं गवर्नमेंट स्केल की अच्छी पोस्ट हैं सैलरीज अच्छी कर दी हैं तो इसलिए पीपल आर एंथोज टू गो फॉर यू नो फील्ड ऑफ फरेंसिक साइंस क्योंकि इंटरेस्टिंग फील्ड है बहुत अगर कोई एक्चुअल में इसमें घुस के देखे इट इज नॉट दैट इजी। राइट नॉट है बहुत डिफिकल्ट लेकिन जब इसके अंदर आप तो टोटली इन्वॉल्व हो जाते हो आपको बहुत मजा आता है

राइट right सोसाइटी में अब पूरे शहर में तीन चार फ्रेंड्स के एक्सपर्ट होंगे तो यू हैव अ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन राइट सर राइट होना चाहिए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए बड़ी कूल इमेज भी बनती है सर इसके साथ टू बी ऑनेस्ट यस इट इज राइट

and uh, this is amazing uh, to call yourself as a forensic expert is you know. right so right it is it is an honor sir. it is an honor yeah. at the end of, end of the day thank you for thank that. you so much <laughs> sir thank you so much thank you okay.